दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक दक्षता परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप जनरल टीचर हो, चाहे उर्दू टीचर हो, चाहे शारीरिक शिक्षक हो, सभी शिक्षकों के लिए हम कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए सफिशियंट है। पिछले दक्षता परीक्षा में मेरे संस्थान द्वारा 100% रिजल्ट जारी किया गया था। शिक्षकों ने दक्षता परीक्षा में 90+ अंक अर्जित किए थे, अधिकतम 99 तक अंक लाए थे। दोस्तों आपको पता होगा कि शिक्षक दक्षता परीक्षा फिर से आयोजित किया जा रहा है, द्वितीय प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन परीक्षा 2023 के नाम से। द्वितीय का मतलब होता है दूसरी बार, क्योंकि 18 जून को दक्षता परीक्षा आयोजित किया गया था, दूसरी बार फिर से आयोजित किया जा रहा है। हालांकि यह दक्षता परीक्षा जो द्वितीय प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन परीक्षा 2023 है, वह पिछले 8 अक्टूबर को ही आयोजित होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश आयोजित न हो सका, फिर से आयोजित किया जाएगा। नई तिथि जारी कर दी गई है और मैं आपको बता दूं कि यह अंतिम बार विस्तारित किया गया है। अब जो तिथि मैं आपको बतलाऊंगा, उस तिथि को हर हाल में दक्षता परीक्षा हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की कोई संभावना नहीं है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यह दक्षता परीक्षा अंतिम बार आयोजित होने जा रहा है, इसीलिए आप इसके महत्व को समझें। अगर आप दुर्भाग्यवश फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा दक्षता परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। आपका इंक्रीमेंट, आपकी परीक्षा आपके लिए सपना ही रहेगा। इसीलिए आप परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें और सुनिश्चित सफलता के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आइए हम आपको सूचनाओं से अवगत कराते हैं। यह सूचना बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से आ रहा है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना से। इन्होंने आवश्यक सूचना जारी किया है, द्वितीय प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा से संबंधित। इन्होंने कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित न हो सके, उनके लिए पुनः दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक 24/9/2023 को निर्धारित किया गया था, यानी 24 सितंबर 2023। परंतु आवेदकों की अनुमानित संख्या से अत्यंत कम आवेदन एवं आवेदनों का समय सत्यापन नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त तिथि को विस्तारित करते हुए 8 अक्टूबर किया गया। यानी पहले परीक्षा 24 सितंबर को होने वाला था, उसके बाद विस्तारित करके 8 अक्टूबर कर दिया गया। इसके बावजूद मात्र 138 अभ्यर्थियों के द्वारा ही आवेदन किए जाने की स्थिति में परीक्षा का आयोजन तत्काल स्थगित कर दिया गया था। अब द्वितीय प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किए गए हैं। अब जो कार्यक्रम जारी किए गए हैं, यह अंतिम है, इसमें हर हाल में परीक्षा हो जाएगा। किसी भी कैंडिडेट को यह बोलने का अवसर नहीं मिलेगा कि मुझे सूचना न मिली है। आइए हम आपको दिखलाते हैं, कार्यक्रम से अवगत कराते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का अवसर दिया जाएगा। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक आपको आवेदन का अवसर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी द्वितीय प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन परीक्षा के लिए आवेदन दे चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है, सिर्फ वही आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट कॉपी जो है विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित कराने के बाद आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। इसके लिए आपको 1 नवंबर से 11 नवंबर तक का अवसर दिया गया है। जब आप आवेदन कर देंगे और अपने आवेदन को जमा कर देंगे तो आपके वेरिफिकेशन की बारी आती है। ये वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन होगा, जो 1 नवंबर से 14 नवंबर तक कभी भी हो जाएगा। आपके ऑनलाइन प्रवेश पत्र आएंगे, एडमिट कार्ड जिसे आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, इसकी तिथि 23 नवंबर से 26 नवंबर तक है। यानी 23 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और आपकी परीक्षा 26 नवंबर को होगी। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपकी जो परीक्षा तिथि है वो 26 नवंबर है। 26 नवंबर को आपकी परीक्षा हर हाल में हो जाएगी।
आप परीक्षा की तैयारी अभी से ही शुरू कर दें। चाहे सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक, चाहे शारीरिक शिक्षक, हम इस परीक्षा की कंप्यूटर तैयारी कराते हैं। परीक्षा 26 नवंबर को होगा और आपका प्रोविजनल आंसर की 30 नवंबर को आ जाएगा। प्रोविजनल आंसर की में आपको आपत्ति का अवसर दिया जाएगा, उसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी भी आएगा 11 दिसंबर को। आपका रिजल्ट 15 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी करने के बाद आपके जो मार्कशीट हैं उसकी हार्ड कॉपी, ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जाता है। अंत में जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि दिनांक 14 नवंबर 2023 तक निश्चित रूप से सभी ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्रों को वेरीफाई करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। कहने का मतलब ये है कि आपका वेरिफिकेशन भी टाइमली होगा और एग्जाम भी टाइमली होगा। चूंकि SCERT द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा इससे पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि हम अंतिम बार तिथि का विस्तार करेंगे, इसके बाद कभी कोई तिथि विस्तार नहीं होगा, ससमय परीक्षा होगी, तथा इन्होंने यह भी स्पष्ट किया था यह परीक्षा अंतिम बार होने जा रहा है और इस बार भी इसलिए हो रहा है क्योंकि 18 जून को दक्षता परीक्षा हुआ था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो सके थे, उसका कारण था DO वेरिफिकेशन का ना होना। दोस्तों, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो माध्यमिक शिक्षक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं, उनके भी हमारे पास कॉल मैसेजेज आते हैं कि हमारी परीक्षा कब होगी। दोस्तों, आपके परीक्षा की कोई सूचना नहीं है और उम्मीद भी नहीं लग रही है कि अनकरीब यह होने वाला है, अगर होगा भी तो एक लॉन्ग टाइम के बाद ही होगा, इसलिए इस दक्षता परीक्षा को हल्के में ना लें, हर संभव प्रयास करें कि आप इसमें सफलता पाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।